का अधिकार है वो बिकिनी पहनना चाहे वो हिजाब पहनना चाहे वो भूखंड लगाना चाहे इसमें कोई राजनीति की बात नहीं हो चुप क्या सीन है वाह क्या सीन है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशीष स्वागत है आपको मेरे चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये पूरा का पूरा जो हिजाब प्रथा है उसका एकदम हम पड़ताल करेंगे कि ये हिजाब प्रथा कहाँ कब शुरू हुआ और आ, इसका बैकग्राउंड क्या है कुरान में पर्दा प्रथा के बारे में क्या क्या आयते आया है तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल पे ही हिजाब पहनकर जाने का क्या जरूरत है अगर इनको हिजाब पहनकर पढ़ाई करना है तो ये लोग मदरसा क्यों नहीं जाते मदरसा में तो इनको पूरा सुरक्षा मिलता है ना ये वीडियो देख लीजिए मदरसा में कैसा सुरक्षा मिलता है मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे बॉल भी मुंह काला करते हैं तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो ये लो आप वाला आप किस मदरसे में ये काम नहीं होता एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं उनमें यहां ये यह बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है पांच छह साल मेरी उम्र थी उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है तमाम फिक्र का बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं बच्चों के साथ क्या करते हैं और जिस तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना अल्लाह से डरता है इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रहा है तो इन लड़कियों को मदरसा जरूर से ट्राई करना चाहिए वहां पर इनको अपना असली औकात समझ में आएगा और स्कूल पे हिजाब तो बैन ही होना चाहिए चलिए हम समझते हैं कि हिजाब किन परिस्थितियों में उतरी तो ये रहा आपके स्क्रीन पर है सई बुखारी है सही बुखारी 146 आयशा ने बताया कि पैगंबर की पत्नियां रात में शोच करने जाती थी किसी मैदान पे तो वो एक बहुत बड़ा खुली मैदान था ये कोई उमर नाम का कोई व्यक्ति था उसने पैगंबर से कहा कि अपनी पत्नियों पर पर्दा डाला करो लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया यानी कि ये उमर जो व्यक्ति था ये चाहता था कि जो औरतें हैं वे सब अपने मुंह पर पर्दा डाला करें। एक रात पैगंबर की एक पत्नी थी सौदा उसने उस मैदान पर सोच करने को निकली तो वो उमर ने उसको पुकारा कि सौदा मैंने तुझे पहचान लिया उसने ऐसा कहा जैसा कि वह उत्सुकता से चाहता था कि अल हिजाब यानि कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पर्दा का अवलोकन की आयतें प्रकट हो जाएं। तो उसके बाद अल्लाह क्या किया कि अल हिजाब यानी कि आँखों को छोड़कर पूरा शरीर पूरा शरीर को कवर करना ये ये आयतें अल्लाह ने नाजिल कर दी तो पहले तो पैगंबर ये नहीं चाहते थे कि आ, आ, महिलाएं पर्दा करे लेकिन ये कोई उमर नाम का व्यक्ति का प्रेशर आया तो अल्लाह मिया ने आयत नाजिल कर दी अल हिजाब का आप समझते हैं कि कुरान में हिजाब के बारे में क्या क्या आया है देखिए कुरान में हिजाब शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और आ, मैं एक आयत आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ये है कुरान थर्टी थ्री बाई फिफ्टी नाइन इसमें लिखा है कि ए नबी अपनी पत्नियों और बेटियों वो ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें इससे इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयाबान है तो यहाँ पर अल्लाह ताला साफ़ साफ़ बता रहा है कि जो ईमान वाली लड़कियाँ हैं उनको हिजाब पहनना चाहिए और एक आयत देखिए कुरान ट्वेंटी फोर बाई थर्टी वन और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपने श्रृंगार प्रकट ना करें शिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है और अपने सीनों यानी कि बक्सतल पर अपने दुपट्टे डालें और अपना श्रृंगार किसी पर जाहिर ना करें सिवाय अपने पतियों के या अपने बापों के या अपने पतियों के बापों के या अपने बेटों के या अपने पत्ओ के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या मेल जोल की स्त्रियों के या जो उनकी अपनी गुलाम औरतें हैं उनके या उन अधीनस्थ पुरुषों के यानी कि जो उनके जो गुलाम वाली पुरुष हैं जो उस अवस्था को पार कर चुके हो इसमें स्त्री की जरूरत नहीं जरूरत नहीं होती है यानी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति या उन बच्चों के जो स्त्रियों के पर्द, पर्दे की बातों को ना जानते हो और, और स्त्रियां अपने पांव को धरती पर मार कर ना चले कि अपना जो श्रृंगार छिपा रख, रखा हो वो मालूम हो जाए ये ईमान वालों तुम सब मिलकर अल्लाह अल्लाह से तोवा करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ये साफ साफ बोल रहा है कि ईमान वाली औरतें अपने निगाह बचा कर रखें पर्दा करें वगैरह वगैरह यहाँ पर बता रहा है लेकिन क्या पर्दा बहुत ज्यादा जरूरी है हमने देखा है कि जॉर्डन के जो राज परिवार जिनको पैगंबर मोहम्मद के वंशज भी माना जाता है उनके परिवार के जो औरतें हैं वे लोग भी पर्दा नहीं करते और खुद सऊदी अरब के प्रिंस ने भी ये बात कहा था कि पर्दा करना जरूरी नहीं है कवानी शरिया द लॉज आर वेरी क्लियर एंड स्टिपुलेटेड इन द लॉज ऑफ शरिया दैट वुमेन वेयर डीसेंट रिस्पेक्टफुल क्लोथिंग लाइक मेन This, however, does not particularly specify a a black black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to to decide what type of decent and respectful attire she chooses to wear. तो आज, आज पर जो बवाल वो किस आधार पर हो रहा है तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे शेयर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे जय हिंद जय श्री राम